इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। हेलो आइए, सो एक्सरसाइज नंबर 10.2, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड आल्सो ऑफ द चैप्टर। तो इस 12th क्वेश्चन को करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो फिगर बना लो फटाफट। बना लिया होगा अब तक तो? वेरी गुड। बनाइए फिगर। बन गया। बस आप वापस मत देना, जो भी दे दिया वापस मत देना। हाँ, अब मांगे तो भी ना देना, ठीक है? बनाओ फिगर ड्रॉन। चलो रीड आउट करें। इतनी देर पहले क्या कर रहे थे? चलिए आइए। ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। तो अब की बार एक ट्राइंगल ने सर्किल को चारों तरफ से घेरा। यू कैन सी, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब हम पहले समझ चुके हैं कि जो भी पॉलीगन सर्किल को सर्कमस्क्राइब करेगा उस पॉलीगन की हर एक साइड सर्किल को टच करेगी। जैसे तीन साइड्स हैं तो तीनों साइड टच करेगी, और ये इंटरसेक्शन केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट पे होगा, डी पर। लेट्स से इसको हम ले लेते हैं ई, एंड इसको ले लेते हैं हम एन। डी एफ मार्क कर दो, उन्होंने डी मार्क किया, हम उसको ई और एफ भी मार्क कर दो। यहां तक क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? सर्किल की रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये सर्किल का सेंटर है, तो सेंटर से लेके अगर मैं ओ डी बनाऊंगा तो ये रेडियस होगी, और तो और सेंटर से लेके मैं ओ ई बनाऊंगा वो भी रेडियस होगी, और तो और मैं सेंटर से लेके ओ एफ बनाऊंगा वो भी रेडियस होगी। तो तीनों रेडियस को अपन 4 4 सेंटीमीटर मार्क कर दें। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, नहीं, वी डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग। हमको लेंथ निकालनी है, तो उसमें कोई डॉटेड फॉर्म में लगाने की जरूरत नहीं है। अभी डॉटेड फॉर्म के लिए मेरे पास कुछ और भी है। देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, रुद्र स्क्रीन पे देखो क्या गिवन है। रेडियस, तो रेडियस दे रहा है तो रेडियस बनाऊंगा ना मैं, तो मैंने रेडियस ही तो बनाई है। बोलो तो डॉटेड फॉर्म में क्यों होगी? कोई ऐसी चीज जो उसने नहीं दी है क्वेश्चन में और मैं बना रहा हूं वो होती है डॉटेड फॉर्म में। ये तो रेडियस उसने दी है ना, तो मैं बनाऊंगा भाई। समझ गए? तो अभी डॉटेड फॉर्म में क्या होगा भी बताते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड। देखो ये जो लाइन सेगमेंट बीसी है, ये बीसी भी दो सेगमेंट में टूट गई, BD and DC। और जो दो सेगमेंट्स में टूट गई उनकी लेंथ क्या क्या है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। BD की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर और CD की लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी? 14 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। यानी ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ हमको टोटल पता है, इसका मतलब ये ठीक है ना?
बोलो है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां तक पढ़ लिया हमने। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। अच्छा जी, तो दो साइड उन्होंने दे रखी हैं, एक साइड नहीं, एक साइड उन्होंने दे रखी है, दूसरी और तीसरी साइड अपने को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ आया? ट्रायंगल की एक साइड गिवन है, ट्रायंगल की बची हुई दो साइड अपने को निकालनी है, दैट मीन्स ए सी भी निकालनी है और ए बी भी निकालनी है। और एक साइड मुझे पता है 8 और 6 मिलके कितने सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की, ये मुझे जरूर पता है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा याद रखना, ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्किल समाया हुआ है तो इस सर्किल को दूसरे शब्दों में इन सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यही क्वेश्चन कल को लैंग्वेज बदल के आ जाए, इन सर्किल वाली भाषा कहने लग जाए, तो ऐसे मत सोचना कि कुछ आउट ऑफ द कोर्स चीज दे दें। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, ट्रायंगल ने सर्किल को सरकमस्क्राइब किया है। कल को ऐसा भी कह सकता है, एक सर्किल एक ट्रायंगल के अंदर इन सर्किल है, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना। ठीक है, और उस सर्किल की रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल जिस ट्रायंगल ने इसको चारों तरफ से घेरा है उसकी एक साइड गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर, बाकी दो साइड सबको पता लगानी है। हर एक साइड देखो, हर एक साइड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइड हो रही है, जैसे ये डी से डिवाइड हो रही है, ये ई से डिवाइड हो रही है, तीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है मेरे पास, चेक करो, और ये एफ से डिवाइड हो रही है। तो हर तीनों साइड एक एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइड हो रही है, जिसमें से जो एक साइड मुझे गिवन है 14, उसका डिवीजन भी मुझे पता है कि 8 इधर है और 6 इधर है, बाकियों का मुझे कुछ पता नहीं है, ना डिवीजन पता है, कुल मिलाकर मुझे टोटल साइड्स निकालनी है। यहां तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है, सो कुछ कुछ बातें गिवन पॉइंट्स में नोट डाउन करते हैं और फिर चर्चा करते हैं। ट्राइंगल एबीसी, हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट, ट्राइंगल एबीसी, एबीसी सरकमस्क्राइब सरकमस्क्राइब सर्किल विद सेंटर हो, सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? ट्राइंगल एबीसी ने एक सर्किल को सरकमस्क्राइब किया है, उस सर्किल का सेंटर ओ है, उस सर्किल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। डन डन। ओके, सच दैट, द सर्किल टचेस, द सर्किल टचेस द साइड्स ए बी बी सी ए सी, द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी एट द पॉइंट्स ए बी को किस पे छूता है, ई पर, बी सी को किस पे छूता है, डी पर, एंड ए सी को किस पे छूता है, एफ पर, रेस्पेक्टिवली। फाइन, ठीक है यहां तक। ऑल्सो एक बात और गिवन है, क्या, बी डी एंड सी डी की लंबाई। यस, तो बी डी की लंबाई कितनी गिवन है, टेल मी, 8 सेंटीमीटर, एंड सी डी की लंबाई कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। इसको भी एज ए गिवन पॉइंट की तरह मार्क करना है, बस इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, जो भी गिवन था लिख दिया। बताओ कुछ बचा क्या, टोटल बीसी उसने नहीं दिया ना, वो आप निकालो, अलग बात है, उसने तो सीडी और उसने जो दिया है वो गिवन हो गया क्या, उसने जितनी बात कही थी। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल बीसी जरूरी है क्या निकालना पड़े हमको, तो वैसे भी ये और ये निकालना है, देखते हैं अभी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। कुल मिला के हमको टुकड़े तो पता है, बीडी इतना है और सीडी इतना है। चलिए ठीक है, चलो तो अब आपका काम शुरू होता है। मैंने प्रेजेंट कर दिया आपके सामने क्वेश्चन और उसके मेन पॉइंट्स जो हैं आपके सामने आपको नोट करवा दिए। अब आप दिमाग लगाओ कि ये दो साइड कैसे पता लग सकती हैं, इसकी हाइट पता लगाएं। इसकी हाइट पता लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो ट्राइंगल इक्विलेटरल गिवन है ना आइसोसेलेस गिवन है। तो अगर मैं इसकी हाइट जब पता लगाऊंगा तो जरूरी नहीं है वो ओ से पास होती जाए, वो ओ के ऊपर भी जा सकती है, वो ओ के बगल से भी जा सकती है।
तो उस कॉन्सेप्ट में घुसना तो काफी डिफिकल्ट कर देना है क्वेश्चन को। तो हाइट का कॉन्सेप्ट लगता, अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होता, फिर इसकी हाइट 100% ओ से ऊपर से गुजरती हुई जाती, ओ से ऊपर गुजरती हुई जाती, तो पता है क्या होता, ये चार है ना तो वो आठ हो जाता, क्योंकि 2:1 में डिवीजन होता है। सेंट्रोइड जो होता है एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला हिस्सा 8 सेंटीमीटर हो जाता, बट वो कब होता, जब ट्राइंगल इक्विलेटरल होता, अभी ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सो देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट, फॉरगेट इट। नेक्स्ट कोई चीज बताओ, बोलो भैया। वेरी गुड, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट्स, यू आर स्टडिंग टेंजेंट्स। तो आप चेक करो, CD एंड CF आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट C। तो ये छह है, तो वो भी BD एंड BE आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट P। तो ये आठ, तो ये भी, तो ये आठ आ गया, ये छह आ गया, पर FD किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यों? AF और AE इक्वल है, फाइन। पैरेलल तो ये तब होती जब ये रेशियो इक्वल आता BPT से, ठीक है ना? वो रेशियो इक्वल थोड़ा ना, साइड इक्वालिटी का पैरेलल होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? चलो तो उसको भी भूल जाओ। अब AF और AE सर और बता दो बस, कहीं से अगर आपको ये AF और AE, पहली बात तो AF और AE दोनों बराबर होंगे, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो कहीं से मुझे बस पता चल जाए ये कितना है और ये कितना है, तब इसको और इसको जोड़ के ये साइड आ जाएगी, इसको इसको जोड़ के ये साइड आ जाएगी, आ जाएगी। तो अब आपका मेन टास्क क्या है मयंक, AF और AE निकालना, बस। इस क्वेश्चन में AF AE निकाला, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन को ये ऐसे मान लो क्वेश्चन है ही AF और AE निकालने का, ठीक है? हाँ बोलो, अब AF और AE निकालने के लिए क्या करा जा सकता है? हाँ बताओ, AF AF को एक्स मान लेंगे, ठीक है, मान लिया, आगे बताओ। को ए भी एक्स हो जाएगा, आगे बताओ। हीरोन्स एक्स फॉर्मूला से इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों साइड्स पता चल जाएगी, लेकिन वो एरिया एक्स की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड्स का कुछ हिस्सा आपने एक्स भी लिया है, तो वो एरिया निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूला से, टोटल न्यूमेरिक नहीं निकलेगा, एक्स की फॉर्म में निकलेगा, एक्स की टर्म्स में निकलेगा इनमें से, ठीक है? आगे बोलो, और फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा बताए किसी को, बोलो। यस, AO CO DO, तो आप यहाँ पे लिखिए नाउ, सुनो, BD इक्वल टू CD इक्वल टू आ गया ना, लगे हाथ पहले वो निकाल लो। देखो BD 6 है तो BD 6 है तो BE भी 6 हो जाएगा, तो BD 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8, तो इसको 8 मार्क करो, फिगर में भी मार्क करो, लिखना भी है, एंड ये 6 है तो उसको भी 6 मार्क करो, फिगर में भी मार्क करो, लिखना भी है, और उसको आप एक्स मानने के लिए कह रहे हो तो फिर एक्स मार्क करके लिखना भी है और फिगर में भी मार्क करो। कितना काम हो गया सभी का? नाउ हेयर, अब यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट हेयर, सबसे पहले किसको पकड़े, चलो बी को पकड़ लेते हैं। BD एंड BE आर द टेंजेंट्स, BD एंड BE आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट B, एक्सटर्नल पॉइंट B टू द सर्कल, ठीक है? सो व्हाट, सो बी डी इक्वल टू बीई, बी डी इक्वल टू बीई, जिसमें से बी डी तो मुझे पता है, तो बीई लिखो पहले, बी इक्वल टू, जो पता नहीं है उसको पहले लिखेंगे ना एल एच एस में, सो बीई इक्वल टू बी डी, और बी डी मुझे पता है कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है? सिमिलरली अब सी वाली स्टेप लिखो अपने आप, सिमिलरली बोलो, हाँ अगेन या सिमिलरली कुछ भी लिख के बोलो, क्या लिखेंगे, सी डी एंड सी एफ आर द, बोलो क्या लिखेंगे, लिखो अपने आप लिखो, सी डी एंड सी एफ आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट सी टू द सर्किल, तो
आ जाएगी वो सिमिलरली वाली लाइन। सो सो सी सी एफ इक्वल टू सी डी हो जाएगा, बोलो। सो सी एफ इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? अब लगे आप ए एफ और ए के लिए भी एक ही सेम लाइन लिखो। देखो अगेन ए एफ एंड ए आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए टू द सर्कल। देखो तीसरी लाइन भी एक्स की, एक्स जो लेंथ है वो हम बाद में मानेंगे, पहले तो टेंजेंट्स हैं वो तो लिखें। तीसरी लाइन भी लिख दी क्या सभी ने? बोलो करण, लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है? ये पहली, ये दूसरी, तीसरी वाली लास्ट वाली लाइन बताओ। यही लिखिए सबने, सक्षम। क्या लिखिए लास्ट वाली लाइन, कौन सी? ये वाली लिख रहे हो? क्या लिखिए बताओ, ये सिमिलरली वाली एसी। एसी कहाँ है? एसी तो पूरी साइड आ रही है। सीबी, सीबी भी साइड है। सी इधर देख, इधर ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट कौन से दिख रहे हैं तेरे को? सी डी और दूसरा, दूसरा सी एफ। सी डी और सी एफ लिखना, क्या लिख रहा है? वंश बताओ सेकंड लाइन क्या लिखी है? सो सो थर्ड पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं। सो अब ए एफ और ए की वैल्यू नहीं है ना मेरे पास, लेट ए एफ इक्वल टू ए एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये हो गया आसान, लिखो यहां तक। लेट ए एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये हो गया assumption। तो तीनों टेंजेंट्स, तीनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स का काम खत्म, वो आठ आठ, वो छह छह, वो एक्स एक्स। समझ आ गया तन्नू? सबसे पहले आठ आठ कौन सी? ये और ये आठ आठ, फिर छह छह, छह छह कौन कौन सी है? ये और ये, उसके बाद एक्स एक्स कौन कौन सी है? ये और ये। ठीक है, चले आगे हम नेक्स्ट पेज पे चले, इतना नोट डाउन हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। ये क्या था ई, ये क्या था एफ, एक तो ये कनेक्ट किया था हमने, ठीक है, और उसके बाद ये छह, तो ये भी छह, ये आठ, ये छह, ये आठ, ये एक्स और ये एफ, ये मार्क किया था। नाउ कंस्ट्रक्शन पार्ट, तो लिखो यहाँ पे नाउ We join OA, OB and OC to break area triangle ABC into अब आप देखो, मैं इधर join कर रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखो ये area कितने parts में बट गया। सबसे पहले OA को ज्वाइन करूं, अब ज्वाइन डॉटेड फॉर्म में करना, क्योंकि ये OA, OB, OC का कहीं इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है। ठीक है, OB एंड OC। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इधर देखो पूरा ट्रायंगल ABC दिख रहा है, पूरा ट्रायंगल ABC ये ग्रीन लाइन से डिवाइड होकर तीन ट्रायंगल में बट गया है। ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल बन रहा है OBC, चेक करो, एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी और एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए सी। ट्रायंगल नंबर वन, ट्रायंगल नंबर टू, ट्रायंगल नंबर थ्री, यस और नो? बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
तो मैं क्या लिखूंगा, टू ब्रेक एरिया ट्राइंगल एबीसी इंटू, इन तीनों के नाम लिख दो, इंटू एरिया सबसे पहले ट्राइंगल ओबीसी, या कैसे भी शुरू कर दो, पहले नीचे वाला शुरू करो, ओबीसी कॉमा दूसरा ट्राइंगल बताओ एरिया ट्राइंगल ओएबी, ओ ए बी एंड तीसरा बताओ एरिया ट्राइंगल ओ ए सी। हेलो, हाँ हाँ और फिर उससे कंपेयर करेंगे तो एक्स आएगा, ठीक है, लॉजिक समझ गया अब आप क्या? हाँ लिखना है ना, लिख दिया ना हमने, एरिया ट्राइंगल एबीसी को तीन एरिया में डिवाइड कर दिया ना हमने, एक दो तीन, तो अब इन तीनों का एरिया किस किस का, इसका इसका और इसका एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इसका एरिया बनेगा, तो हम चार ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एबीसी का, ओबीसी का, ओएबी का, ओएसी का, फिर इन तीनों का जोड़ के टोटल एबीसी से इक्वेट करेंगे, तो वहां से यहाँ से भी एक्स की टर्म्स बनेगी, यहाँ से भी एक्स की टर्म्स बनेगी, एक्स की टर्म्स से इक्वेट होंगी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, समझ गए, दिस इज द लॉजिक। अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया तो इरॉन्स फॉर्मूला से निकलेगा क्योंकि तीन साइड्स पता है, और इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, क्योंकि इनका बेस और हाइट पता है, कहाँ पता है, पता है आपको, देखो जैसे इस ट्रायंगल को पकड़ लूं मैं, जैसे मैं इस ट्रायंगल को पकड़ लूं, पर्टिकुलरली इस ट्रायंगल पे फोकस करो, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बीसी को बेस मान लूं, बीसी को बेस मान लूं, तो ये जो ये क्या है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस है तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, तो ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, जो बेस पे परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, हाइट, और ये परपेंडिकुलर क्यों है इसके, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया आएगा, और इसकी वैल्यू पता है मुझे 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 4 सेंटीमीटर और इसकी भी 4 सेंटीमीटर, समझ गए, क्लियर है, सारा लॉजिक क्लियर है, बस कैलकुलेशन बेस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर हीरोन्स फॉर्मूला से लास्ट में एक साथ बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। Now, सबसे पहले अब आप साइड्स निकाल लो ट्राइंगल एबीसी की, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी की एक बार के लिए साइड्स निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, है ना। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन, मतलब इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा लेंथी है, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी सबसे पहले बताओ ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी ए प्लस बी, यस ऑर नो, ए प्लस बी ऐसे निकलेगा, ए प्लस बी कितना आएगा, ए कितना है एक्स, B कितना है 8, तो x प्लस 8 सेंटीमीटर, यस ओ नो, चलो AB के बाद आ जाओ, BC कैसे निकाल लेंगे, BC हम पहले भी निकाल चुके थे, BD प्लस CD, BD प्लस CD gives me 8 प्लस 6 gives me, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू आ गई इसकी तो 14 सेंटीमीटर। लास्ट साइड बताओ, AB हो गया, BC हो गया, AC, AC कैसे निकलेगा, AF प्लस CF, AF प्लस CF, तो ए एफ है एक्स और सी एफ है 6, तो एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड क्लियर हैं, एक साइड है एक्स प्लस 8, एक साइड है 14 और एक साइड है एक्स प्लस 6। चलो एक काम करो, तीनों साइड क्लियर है तो लगे हाथ पहले बड़े ट्रायंगल का इरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल लो, क्योंकि इरोन फॉर्मूला के लिए हमको क्या करना होता है, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर, तो तीनों साइड से तो एंड टू एंड पेरीमीटर निकल जाएगा एक ही फ्लो में, और सेमी पेरीमीटर भी निकल जाएगा, निकाले। नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना, दैट इज इसको स्मॉल लेटर एस से डिनोट कराते हैं, पता है, और उसकी वैल्यू होती है तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। अब किसी भी साइड को ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक काम करो पहली साइड को ए ले लो तो क्या बना एक्स प्लस 8, दूसरी साइड को बी ले लो क्या बना 14, और तीसरी साइड को सी ले लो क्या बना एक्स प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2, तो x और x मिलके 2x, और न्यूमेरिक वैल्यू जोड़ो 14 और 6 20 और 8 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काट दो दोनों को, ये 2 से कट के x बचा और 28 से 2 कट के 14 बचा, तो x प्लस 14 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। बोले यहां तक कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। s निकलने के बाद फिर क्या निकालते हैं, एरिया,
हेलो हेलो, बढ़ते हैं। टू यूज हिरॉन्स फॉर्मूला, एस निकलने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है याद करो। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, नाउ नाउ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालेंगे। एस क्या निकला है आपका, एस प्लस 14, और ए क्या था, ए था एक्स प्लस 8। पहले सबको अरेंज कर देता हूँ, फिर अगेन एस क्या है आपका, 14 है ना, एक्स प्लस 14, और बी क्या है, सेकंड साइड क्या आपकी, 14, फिर एस माइनस सी करना है, तो एस क्या था आपका, एक्स प्लस 14, और सी क्या था, सी एक्स प्लस 6। ठीक है, तो x माइनस एक्स खत्म, और 14 माइनस 8 क्या आया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 14 माइनस 14 खत्म, x सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगेन x माइनस एक्स खत्म, और 14 में से 6 गया तो 8 सेंटीमीटर। बताओ वंश, वंश बोलो क्या डाउट है, समझ आ गया। देखो पहले में x x खत्म, दूसरे में 14 14 खत्म, तीसरे में अगेन x x खत्म, तो 14 माइनस 8 6, यहाँ पे ओनली x, यहाँ 14 माइनस 6 6, तो सारी चीजें आ गई। अब अपन क्लियर कट लगा सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। सो नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं, इधर ही लगाएं, इधर ही लगा लो। चलो नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ क्लास 9th ऑफ चैप्टर 12। इस बार चैप्टर 12 नहीं है वो, इस बार 10 है, दो चैप्टर कटेगा। We have, नहीं ऐसे तो तीन कट गए, फिर कंस्ट्रक्शन भी कट गया, एक वो भी कट गया, अब हमारा फेवरेट चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस वाला, वो आगे वाले जाने हैं, इनका क्या होगा, होगा जो होगा। एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वी हैव, बोलो एरिया ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल एबीसी, याद है फॉर्मूला किसी को या भूल भाल गए। पगले रुलाएगा क्या, एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इस वाले ब्लॉक में आ जाइए, इक्वल टू, तो आपने एस की, एस माइनस ए की, एस माइनस बी की और एस माइनस सी, चारों की वैल्यू निकाली हुई है, तो जस्ट पुट द वैल्यू, और अगर कुछ उसमें सॉल्व हो रहा है तो फाइन, नहीं तो ऐसे कैसे छोड़ रहे। जैसे एस की वैल्यू क्या है बोलना जरा, एस की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 14 है, एक्स प्लस 14। ठीक है, फिर एस माइनस ए की वैल्यू क्या है, 6, तो इनटू 6, फिर उसकी वैल्यू क्या है, एक्स, फिर उसकी वैल्यू क्या है, 8, डन। अब देखो यहां से वैसे अगर अपन कोशिश करें तो 8 और 6 में से 2 बाहर आ सकता है, बट बाकी सब तो अंदर ही बैठेंगे, एक्स कैसे बाहर आएगा, मल्टीप्लाई कराएगा तो एक्स स्क्वायर, कमाल कर रहा है मतलब। ये एक्स क्या केवल एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 14 से नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स में से एक्स बाहर आ जाएगा क्या, बस केवल 6 में से 2 इंटू 3 एंड 8 में से 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 8 में से देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो एक 2 ये बाहर आ जाएगा और एक 2 ये बाहर आ जाएगा, तो 2 2 बाहर आ सकते हैं चाहे तो, पर उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, या तो सारे बाहर लाते हैं, अल्टीमेटली आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा जब आप इक्वेट करेंगे, तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ही तो वैसे ही रूट काट देना, बेटर है ना, तो सबको अंदर, समझ गए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, भाई कुछ अंदर, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड तो वैसे ही करोगे आप, तो जब करना ही है तो इन बच्चों को भी क्या निकालते हैं, उनको भी अंदर खेल लेने दो, जब तक अपने लोगों के साथ रह लेने दो। ठीक है, ओके, तो इसको इसी फॉर्मेट में छोड़कर बस सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए और आ जाइए सेकेंड स्टेज पर। अब अगली स्टेज है, ये एक स्टेज खत्म हो गई क्वेश्चन की, अगली स्टेज है इन तीन चुनने मुन्ने ट्रायंगल का एरिया निकालना, ओबीसी, ओएबी, ओएसी, निकालें, करो तो करो, नहीं तो वैसे अपन इक्वेट करेंगे ना, देखो इक्वेट करेंगे तो हो सकता है कुछ डायरेक्ट कटे, ठीक है, और मल्टीप्लाई तो कितना टाइम लगेगा बाद में भी कर लेंगे, बट एक स्कोप है कट जाए क्या पता। ठीक है चलो, सो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं, तीसरी बार फिगर बनाना पड़ेगा मुझे, फटाफट बना देते हैं। आप तो क्या है सती के सबसे महान कंजूस हो,
आप तो अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और कर सकते हो स्पेशली, है ना? नहीं स्कोप है तेरे पास, OE, OF, ठीक है। चलिए तो हमने क्या डिसाइड किया, ट्राइंगल पहले, सबसे पहले नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालें। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अगेन बता दे जाओ क्या क्या चीजें हैं। ये 6 है और वो क्या है x, ये x, ये 8, ये 4, ये 4 और ये 4, ठीक है। चलो नाउ इन ट्राइंगल पहले नीचे वाला पकड़ लेते हैं, ट्राइंगल ओबीसी, क्योंकि नीचे वाला ही एक अकेला न्यूमेरिक निकलेगा। ट्राइंगल ओबीसी के अंदर क्या ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी है? रीजन बता सकते हो? एक बार रीजन दे दो, एक बार, बार बार मत देना। बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है ना, ऐसे लिख लो ये लो। फिर टेंजेंट के लिए क्या करेगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कहा था ना सदी का सबसे महान, ये पग पग पर ये अपने उसकी छाप देते। ओके चलो ओडी परपेंडिकुलर बीसी, सो एरिया ट्राइंगल ओबीसी इक्वल टू, अब इसका एरिया निकालेंगे अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो पहले वाले ट्राइंगल में सारी चीजें लिखो, उसका फॉर्मूला भी लिखो एक बार, तो फिर दूसरे तीसरे ट्राइंगल में थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे होता है फॉर्मूला, ऐसे होता है। तो हाफ इंटू बेस को अगर मैं बीसी ले लूं तो हाइट क्या होगी जो उसमें परपेंडिकुलर होगी, तो बीसी पे परपेंडिकुलर ओडी आपने लिखा है, ऊपर लिखा है, तो हाफ इंटू बीसी की लेंथ आप पहले निकाल के आए, क्या निकाली थी 14, और ओडी जो थी रेडियस। अच्छा ओडी के बारे में हमने कहीं लिखा नहीं है, ये लिखना पड़ेगा, ओडी 8, ओडी 4 सेंटीमीटर है, ये हमने कहीं पर भी नहीं लिखा, बस शुरुआत में लिखा था कि रेडियस है ना। देखो कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ हो सच दैट द सर्किल टचेस दिस 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 दिस, ठीक है यहाँ तक कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे लिखो दैट इज ओडी इक्वल टू ओई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस इस वाली लाइन में रेडियस का जिक्र हो रहा है ना, तो रेडियस के बारे में भी बता दो कौन। अब कर लो कहीं पर भी एडजस्ट, हमने इसके आसपास ही लिखना बनता है, जहां गिवन पॉइंट है उसके आसपास ही लिखना बनता है, क्योंकि हमने लिखा है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो एज पर द फिगर रेडियस क्या है, ओडी ओएफ एंड ओई, इसके आसपास कहीं पर भी लिख दो, ठीक है। चलो चले आप वापस वही, हाँ जी, तो 1/2 × 14 × 4 काट दो, 2 से 2 टाइम तो क्या बना 14 × 2 जा 20 सेंटीमीटर पर। चलो दूसरा तीसरा ट्राइंगल पकड़ो अगेन, अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे बाकी ट्राइंगल्स के लिए। अगेन इन ट्राइंगल ओ ए बी ले लेता हूं मैं, तो ओ ए बी में मुझे बता दो कौन किसके परपेंडिकुलर है। ओ ए बी ये राइट साइड वाला ट्राइंगल है, ओ ए बी दिख रहा है ये वाला, ओई परपेंडिकुलर ए बी, रीजन वही सेम है, बार बार नहीं लिखेंगे, ओई परपेंडिकुलर टू, हाँ एग्जाम में आप एक बार, एक रीजन को आप एक बार बस मेंशन कर दो, जरूरी नहीं होता बार बार मेंशन, हाँ नहीं एग्जाम में आप ये ऐसे नहीं लिख सकते कि परपेंडिकुलर ऐसे लिखिए, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर का साइन तभी लगा सकते हो जब यहाँ पे कुछ साइड हो, जैसे ए बी सी डी, आप यहाँ पे एक एक्सप्रेशन एक वर्ड लिख रहे हो तो फिर परपेंडिकुलर भी पूरा वर्ड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्राइंगल, सो एरिया ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चलेगा वापस, तो अब की बात बेस है हमारा ए बी और हाइट है हमारी ओई, सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी की लेंथ पहले क्या निकाली थी x plus 8 और OE क्या है 4 सेंटीमीटर, अगेन 2 से 2 टाइम कट गया, तो ये क्या आया 2 × x + 8, तो उसको ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 2 × x 2x और 2 × 8 16, 2x + 16 cm². लास्ट ट्राइंगल पकड़िए, अगेन इन ट्राइंगल, लास्ट ट्राइंगल का नाम क्या है OAC, OAC के अंदर OF परपेंडिकुलर टू AC, सो एरिया ट्राइंगल, सो एरिया
ट्राइंगल ओ ए सी, अगेन वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस अगर मैं ए सी ले लूं तो उस पर हाइट हमने ओ एफ बना दी, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी। ए सी की लेंथ कितनी है, एक्स प्लस सिक्स इंटू ओ एफ, अगेन 4 सेंटीमीटर का है, 2 से 2 गया, तो इट इज 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो 4 ट्रायंगल के एरिया निकाल दिया। अब आ गए हम क्वेश्चन के स्टेज नंबर 3 पे। स्टेज 1 में अपन ने ओवरऑल ट्रायंगल का एरिया निकाला यूजिंग हीरोंस फार्मूला, स्टेज 2 में अपन ने ये 3 ट्रायंगल्स का एरिया निकाला यूजिंग हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, स्टेज 3 में अब इक्वेट करेंगे इन तीनों का सम उस अकेले के बराबर, वहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। चलें, ये कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मेरे पेपर में तो जरूर आएगा, जितने का भी आया मतलब क्वेश्चन ये आएगा, तो अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। अरे डेटा वेटा चेंज हो जाएगा कह नहीं सकते, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 10 मिनट देने, आप घर जाओ आज ही और टाइमर लग, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ज्यादा है नहीं, ज्यादा नहीं है, 10 मिनट सफिशियंट, 10-5 मिनट में फिर करो तो वो आपकी, फिर वो आप ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस है ना। चलो आओ, इतना हो गया, चलो थर्ड स्टेज पे चलते हैं। थर्ड स्टेज पे नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट दैट एरिया ट्राइंगल पहले क्या था, ओबीसी, हाँ हाँ सारा फिगर बनाने से लेके एंड खत्म 10 मिनट में, ठीक है, एरिया ट्राइंगल ओबीसी प्लस एरिया ट्राइंगल, देखो एक चीज बताऊं, आप घर पे 10 मिनट में कर रहे हो तो वहां 15 में करोगे, नोट कर लो, वहां ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, क्यों क्या होता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो घर में नहीं होते वहां मिलेंगे, वहां पे इन्विगुलेटर बीच में आ गया, साइन करो मेरा साइन करो, आपको कहोगे उसको भगाओगे क्या, वो साइन करवाने आएगा तो साइन करना पड़ेगा, मान लो कि चेकिंग करने आ गया आपको खड़ा करके आपकी तलाशी ले रहा है तो क्या कहोगे, मेरा टाइम जा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर्स रहेंगे, इनसे भी डील करना है, तो अगर आप 15 मिनट का टारगेट बना रहे हो तो घर पे 10 मिनट का बनाओ, अगर आपने घर पे ही 15 मिनट का बनाया तो फिर वहां 20 हो जाएंगे, उनकी मर्जी होती है तब आते हैं, एंड प्लस कहीं से शोर आ रहा है, कहीं कभी लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, इससे भी स्पीड डाउन हो जाती है, अपने आप ही डाउन हो जाती है, हाँ नहीं होता कई स्कूल्स में, इनके स्कूल की बात नहीं है, इनके स्कूल में भी अभी होता हो, उस टाइम खराब हो गया हो, या जिस रूम में तेरे को बैठा है उसमें नहीं होता, अरे कुछ भी हो सकता है भैया, कई बार स्टूल हिलती है, कई बार हम जिस स्टूल में बैठे हैं वो स्टूल हिलती है, कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते आप, जो है उससे गुजारा करो, तो अभी तो आप मैच पे नहीं बैठूं, गंदी हो रही है, अभी तो आप ज्यादा रईसी झाड़ते हो, मैं इस पे नहीं बैठूं, मैं पीछे बैठूंगा, और वहां जो मिलेगी उससे काम चलाना पड़ेगा, आ जाओ एरिया ट्राइंगल ओबीसी, एरिया ट्राइंगल ओएबी, एरिया ट्राइंगल ओएसी गिव्स मी एरिया ट्राइंगल एबीसी, यस ऑर नो, चलो चारों ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू डाल दो, दैट इज एरिया ट्राइंगल ओबीसी क्या निकाला है बोलो, क्या ओबीसी क्या निकाला है, 28 प्लस OAB क्या निकाला था, 2x प्लस, बोलो नोटबुक वगैरह बंद हो गई क्या अपनी, OAC क्या निकाला था, 12, और ओवरऑल ABC हम छोड़ के आए थे इरोंस फॉर्मूला में रूट ऑफ, बोलो x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाई, यस ऑर नो, ओके अब इसको सॉर्ट आउट, अब इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो पहले इधर सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके फिर परफेक्ट कंप्लीट क्या कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो रूट कट जाएगा, ठीक है पहले सॉल्व करो, तो 2x 2x 4x 4x 28 प्लस 12 40 40 प्लस 16 56, ठीक है अब सुनो मेरी बात, अब सुनो 4x प्लस 56 दिखाना मुझे, दिख गया ना, अब मैं 4 कॉमन लूंगा क्योंकि काटूंगा, तो ये स्ट्रेटेजी होती है, हम पहले कुछ ना करके रखें, हम हर चीज के लिए तैयार है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि 2 और 2 कॉमन आएगा ना, इसमें 4 दुख के छुपे हुए ना अंदर,
अरे यार इसमें 2 × 3 छुपा हुआ है, उसमें 2 × 2 × 2 छुपा हुआ है, 3 दुक्के ये हो गए, 1 दुक्का ये हो गया, 4 दुक्के में से 2 दुक्के बाहर नहीं आएंगे क्या? आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। ये 8 तो पूरा खत्म हो चुका है, इस 6 में से 1 दुक्का गया, 1 3 बचा, तो 3x × x+14 रह गया अंदर। सबको समझ में आई ये कैलकुलेशन? ठीक है, तो 4 को ले लो बाहर, और जैसा कि हमने कहा अभी x+14 बचेगा, और 6 में से 2 × 3 का 2 तो बाहर गया, 3 बचेगा और x बचेगा, और 8 का पूरा सफाया हो गया। अब देखो अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, 4 से उड़ा दूंगा सबको, या तो लिखो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 कॉमन ले लो, x+14 और 4 से 4 उड़ाओ। हाँ, अगर 4 कॉमन नहीं आता फिर उस 4 को निकालने का कोई फायदा नहीं होता, फिर मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, × 3x लिख दो, ठीक है, हटाओ। चल भाई तू तो चल साइड, हो गया इतना काम, अब कुछ भी चारा नहीं है बजाय के स्क्वायरिंग बोथ साइड, बताओ है क्या और कोई चारा है क्या? अच्छा ठीक है, सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो इधर तो बन जाता है x+14 का होल स्क्वायर, यस और नो, और उधर रूट का सफाया हो जाता है, तो बच जाता है x+14 मल्टीप्लाइड बाय, अब सुनो x+14 और x+14 का होल स्क्वायर, तो x+14 से स्क्वायर खत्म, भाई 2x+14 है ना यहाँ पे, x+14 x+14, वहां एक x+14 तो है ही सही, एक खत्म, तो क्या बचा? अच्छा सुनो, एक और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे इसको, अपन ऐसे काट नहीं सकते, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से एक हटा के एक ही लिख देंगे, एक ही लिख देंगे, और उधर केवल क्या लिख देंगे, 3x लिख देंगे, अच्छा काट दिया तो कोई बात नहीं, एग्जाम में याद रखना हम LHS से RHS से कट नहीं लगाते कभी भी, हम केवल कट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लगाते, आप नेक्स्ट स्टेप में इधर भी मत लिखो इधर भी मत लिखो, सामने वाला समझ जाएगा, पर इसे कट नहीं लगाते, ये कट भी गलत लगाया है, ये कट भी गलत लगाया है, अब आपको समझाने के लिए मुझे लगाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में केवल और केवल जो कट लगाना अलाउड है, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ही अलाउड है, दैट्स इट, और कहीं अलाउड नहीं, ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब सुनो एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफी, इसके आगे मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी, बताएं आप LHS से RHS से हर किसी को नहीं काट सकते, उसी को काट सकते हो जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, आपको पहले भी बताया शायद, उसी को काट सकते हो जिसकी वैल्यू 0 नहीं, तो आपने क्या क्या काटा है, x+14 काटा है, तो x+14 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, पता है क्यों? क्योंकि अगर x+14 की वैल्यू में 0 रख दो तो x की वैल्यू -14, तो आपने जो x लंबाई ली वो -14 हो सकती है, नॉट पॉसिबल, आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज बिकॉज x+14 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसीलिए x+14 से x+14 काटा गया, समझ गए? और अगर उसकी वैल्यू 0 हो सकती है तो आप LHS से RHS उसको नहीं काट सकते, फिर आपको उसी के साथ सॉल्व करना है, बिल्कुल हो सकती है, साइन 0 0 ही तो होता है, साइन 0 0 नहीं होता क्या? ओके ठीक है, क्लियर? अच्छा आप साइन से साइन उड़ाते होंगे कहीं ना कहीं, तो वो नहीं उड़ा सकते आप, हाँ वो भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 0 नहीं कर सकते, और LHS RHS में अपन उससे नहीं काट सकते जिसकी वैल्यू 0, चलो आओ, तो कुल मिला के कट कट आ गया, एक्स को उधर भेजो, आपका काम तो हो गया, 14 बचा इधर, 3x - x कितना होता है, 14 की वैल्यू 2x, तो x की वैल्यू 14/2 गिव्स मी 7 है, ठीक है, हाँ तू डायरेक्ट लिख ले, तू सदी का नहीं, तू महासदी का भी महान बनना चाहता है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया, अब फाइनली क्लोजिंग स्टेटमेंट चलते हैं, तो पांचवा या छठा पेज आ गया हमारा, तो हेंस हेंस क्या क्या पूछा था आपसे, साइड ए बी और साइड ए सी, साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये निकालना है एक तो आपको, एंड साइड ए सी और ट्राइंगल एबीसी, ये दोनों चीजें निकालनी है, ये दोनों चीजें निकालनी है बच्चों, इक्वल टू साइड एबी तो क्या थी, इसको एक्स लिया था और उसको 8 लिया था, x+8 और एक्स की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज है क्या है, 7, 7+8 गिव्स मी 15 सेंटीमीटर, और इधर आओ x+6 हो जाएगा, ये x+6 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कल तक नहीं थी आज है
सेवन प्लस सिक्स गिव्स मी क्लियर सेवन। क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? तो बंपर ऑफर है, मैं खुद कह रहा हूं कि क्वेश्चन में इस एग्जाम में देने वाला हूं, तो ले लो, 3 नंबर ले सकते हो तो क्लियर ठीक है अब इतना करने के बाद भी घर से प्रैक्टिस नहीं करके आए तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो। अब वो देखेंगे क्या बेटे से। ठीक है अच्छा आंसर मैच कर लो एक बार 15 सेंटीमीटर। और वन मोर थिंग, इसके एनालिसिस में मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, ये वापस 1 घंटे की क्लास एक ट्यूशन के पीछे लगाएंगे क्या? तो इसके एनालिसिस में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इसी वीडियो को रेफर करना है, पूछ लो कोई छोटे मोटे, बड़े बड़े तो फिर बचे ही नहीं टाइम। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, चर्चित के अलावा और किसी को डाउट मुझे सर है इस एक्सरसाइज इस चैप्टर से? है करने ठीक है, ठीक का है चलो है तो है, क्या कर सकते। तो फिर कल कल लास्ट डे है, जिसको हो ले आना। अब इनको डाउट है ना यार। सर ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। नाउ।